दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए जो एक नई वीडियो लेकर के मैं आया हूं वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी की बुक है और जिसकी एक्सरसाइज नंबर है 4.1 और इस एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके सम्स को समझने से पहले सबसे पहले हम इसका एक मूल जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। दोस्तों जो भी इक्वेशंस हैं यदि उनमें मैक्सिमम पावर यानी कि उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो यदि 2 है जिसको कि हम स्क्वायर कहते हैं, तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, और यदि उससे ऊपर पावर हो जाती है फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 4 पावर अगर हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी, और अगर 2 पावर से कम भी रह जाती है अर्थात 1 पावर रह जाती है उस कंडीशन में भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा यह जान लेना आवश्यक है कि क्वाड्रेटिक का अर्थ क्या है, और आगे जब हम सवाल करेंगे बहुत इजिएस्ट मेथड से करेंगे तो उसमें हमें बहुत शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, वीडियो को इसलिए शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो सबसे पहला जो सम है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें यह चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, कि यह द्विघात है या नहीं है। द्वि का मतलब दो होता है, घात मतलब पावर होता है, तो हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो हमें इसमें यस या नो में जवाब देना है, लेकिन यस में या नो में जवाब देने से पहले हमें इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करना है, सॉल्व करके हम पता करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, तो ए के स्थान पर एक्स लिखा हुआ है और बी के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला क्लियर हुआ। और ये जो इक्वल में है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पहले एक्स में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे टू टू थ्री या 6 हो जाएगा माइनस 6। और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस 2 बन जा 2x हो जाएगा, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो इसके साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 6 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल में 0 रह जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर और 2x प्लस का है और 2x माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस का और 6 प्लस का, तो यहां पर हो गया प्लस 7, क्योंकि सेम साइन जो होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और इक्वल हो गया 0। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा जो मैक्सिमम पावर है यहां पर 2 है, तो यदि इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अतः इसका आंसर होगा यस। तो ये यस का मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, और नेक्स्ट सम भी इसी से मिलता जुलता है कि जैसे कि हमने यहां पर देखा एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमने रख लिया और ये 2x हो गया, माइनस 2 से सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 3 या 6 हो गया। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन जो है अपोजिट करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऐसा केवल उस कंडीशन में होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो,
लेकिन यदि प्लस होगा तो साइन अपोजिट नहीं होंगे। तो माइनस टू से थ्री में करेंगे, माइनस का सिक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू एक्स ये आ गया। और इसको आगे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब जो राइट हैंड साइड है उसे उठा के इधर ले आएंगे, तो प्लस का सिक्स हो जाएगा और टू एक्स प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल कुछ नहीं बचा तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर, अब टू एक्स माइनस का, टू एक्स माइनस का, दोनों के हमें ये लाइक टर्म्स हैं। दोस्तों लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखना आवश्यक है। लाइक टर्म्स का मतलब है टू पावर के साथ में टू पावर वाला ही सॉल्व करेंगे, वन पावर के साथ में वन पावर वाला सॉल्व करेंगे, और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। ये टू एक्स माइनस का, ये टू एक्स माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, तो सेम साइन हो गया और सेम में ऐड हो जाता है और साइन वही रहता है। तो टू एक्स टू एक्स फोर एक्स हो गया और प्लस सिक्स हो गया। यहां भी हमने ये देखा कि यहां पर मैक्सिमम पावर टू है एक्स के ऊपर, यहां पर एक्स के ऊपर वन पावर है और यहां टू पावर है, तो टू पावर मैक्सिमम है इसलिए इसकी वैल्यू भी हो जाएगी यस। तो इसका आंसर यस होगा, अर्थात ये क्वाड्रेटिक है। तो अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट सम में कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट हैं और राइट हैंड साइड में भी डबल ब्रैकेट्स हैं। तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड के ब्रैकेट्स की भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सबको एक साइड में ला करके हम ये देखेंगे कि टू पावर मैक्सिमम बन रही है या नहीं बन रही है। तो जैसे यहां पर हम x लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को ऐसा का ऐसे ही उतारेंगे, फिर माइनस का 2 लेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को फिर उतारेंगे, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर इसी प्रकार से इसमें यहां x लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को उतारेंगे, फिर माइनस का 1 लेंगे और फिर सेकंड ब्रैकेट को उतारेंगे। अब यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, x से x में हो जाएगा x की पावर 2, 1 पावर ये और 1 पावर ये, x से 1 में करेंगे x बन जाए x हो गया, माइनस 2 से x में करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, माइनस 2 से प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस हो गया माइनस और 2 बन जाए 2। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में x से x में करेंगे x की पावर 2 आ जाएगा, 1 पावर 1 पावर, x से 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 1 से x में करेंगे माइनस का 1x हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है अल्फाबेट के साथ में, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 3 3 आ गया। और आगे चलते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का है और 2x माइनस का है, ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का आएगा, 2x में से 1x गया तो 1x रह जाएगा और माइनस 2 इक्वल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3x है प्लस का और x है माइनस का, तो प्लस का ज्यादा है तो इसलिए प्लस का आएगा, 3x में से x गया 2x रह जाएगा माइनस 3। अब सबको एक साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर इधर को आकर के माइनस का हो जाएगा, 2x भी इधर को आकर के माइनस का हो जाएगा और 3 इधर को आकर के प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है और वैल्यू इक्वल है। एक्स माइनस का है और 2x माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों के सेम साइन हो गए और सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, माइनस के हैं इसलिए माइनस ही रहेगा और 3x हो जाएगा। ये 2 माइनस का 3 प्लस का ज्यादा है तो प्लस का 3 में से 2 गया 1। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि यहां पर x के ऊपर 2 पावर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो आंसर होगा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है का मतलब इसके वैल्यू हो गई नो, तो इसका आंसर नो में आ जाएगा, अर्थात ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 टू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 5। तो यहां पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x से करेंगे 1 में तो प्लस का 1 है तो x बन जाए x हो जाएगा, माइनस 3 से 2x में करेंगे तो माइनस 3 2 जा माइनस का 6 और x साथ में आ गया, अब माइनस 3 से 1 में करेंगे माइनस 3 बन जाए माइनस 3,
इस प्रकार से ये हमारी मल्टीप्लाई होगी। इसी प्रकार से यहां कर देंगे, x से x में करेंगे x की पावर 2 हो जाएगा, और x से 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब सबको उठा करके एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x प्लस का 6x माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x में से x चला जाएगा तो ये रह जाएगा 5x, ये हो गया माइनस 3, और एक्स स्क्वायर इधर को आकर के माइनस का हो जाएगा, 5x भी इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में कुछ नहीं बचेगा अर्थात जीरो हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल देंगे तो यहां पर x स्क्वायर रह जाएगा, 1x स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि इसका जो यहां पर x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकालेंगे तो 1x स्क्वायर रह जाएगा। अब 5x माइनस का और 5x माइनस का दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में x है, इन दोनों को सेम साइन है तो इनको हम ऐड करेंगे, साइन वही रहेगा जो है, 5x 5x हो गया 10x और माइनस का 3। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर जो मैक्सिमम पावर है 2 है, 2 पावर का मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी जो आंसर होगा वो हो जाएगा यस। इसी प्रकार से क्वेश्चन 1 के जो पार्ट हैं वो ज्यादा टफ नहीं है, इजी पार्ट्स हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई पे ध्यान दें और पावर पे ध्यान दें, थोड़ा रूल पे ध्यान दें। तो इन इधर हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहां इधर भी दो ब्रैकेट है, इधर भी दो ब्रैकेट है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे पिछला सवाल किया था, हमने 2x लिया और फिर ब्रैकेट जो है x माइनस 3 ले लिया, फिर माइनस का 1 लिया और फिर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज उतार लिया। अब उसके बाद में राइट हैंड साइड में भी यही करेंगे, x लेंगे और x माइनस 1 उतारेंगे, फिर प्लस का 5 लेंगे और x माइनस 1 फिर से उतारेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x से x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 1 से x में करेंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर का चिन्ह पलट जाएगा, और 1 से 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस x से 1 में करेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस 5 से x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का x माइनस का, दोनों सेम साइन है, सेम में ऐड हो जाएंगे तो ये 7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल x स्क्वायर, x माइनस का 5x प्लस का ज्यादा है अर्थात अपोजिट साइन है, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x में से x गया, 4x रह जाएगा, और प्लस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए प्लस ही आएगा, माइनस का 5 ही आ गया। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, और ये जो राइट हैंड साइड है इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 4x इधर को आके माइनस का हो जाएगा, और 5 इधर को आकर के प्लस का हो जाएगा, साइन सबके अपोजिट हो गए साइड चेंज करने पर। अब 2x स्क्वायर प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, लाइक टर्म्स जो है 2x स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो यहां पर प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा। अब 7x माइनस का 4x माइनस का दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 11x। अब 3 प्लस का 5 प्लस का दोनों के सेम साइन है, प्लस है तो प्लस आएगा और 3 5 हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। तो यहां हम दोस्तों देख रहे हैं कि यहां पर 2 पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका आंसर होगा यस। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर है 6, और ये जो 6 पार्ट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉल्व की हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और यहां पर जो राइट हैंड साइड है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर
माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ये हमारा जो ब्रैकेट है ये हमने इसको ओपन किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फोर एक्स। अब सबकी को एक साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का वन, और ये साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, फोर इधर को आकर के माइनस का हो जाएगा और फोर एक्स इधर आकर के प्लस का हो जाएगा इक्वल जीरो। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि वैल्यू इक्वल है और साइन अपोजिट है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का। अब थ्री एक्स प्लस का फोर एक्स प्लस का ये हो गया सेवन एक्स, वन प्लस का फोर माइनस का तो माइनस का ज्यादा है यहां पर, तो माइनस का थ्री रह जाएगा, फोर में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल जीरो। दोस्तों यहां भी हम देख रहे हैं कि एक्स के ऊपर टू पावर नहीं है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा नो, यानी कि क्वाड्रेटिक ये नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा इसका सिक्स पार्ट पूरा हुआ। अब चलते हैं सेवेंथ पार्ट की ओर। दोस्तों सेवेंथ पार्ट में एक अलग फार्मूला है पावर थ्री का, तो ये जो पावर थ्री है इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हमें समझना होगा, ए प्लस बी की पावर थ्री। तो ए प्लस बी की पावर थ्री का जो फार्मूला खुलता है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की क्यूब आता है, फिर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब आता है, फिर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आता है, और ब्रैकेट जो है वैसा का वैसे ही उतर जाता है अर्थात एक्स प्लस टू आ जाता है। तो ये हमारा थ्री पावर का फार्मूला खुला। थ्री पावर के फार्मूले को हम फिर एक बार समझ लेते हैं। ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और ब्रैकेट वैसे का वैसे ही उतारेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर वन और एक्स की पावर टू, तो ये हो जाएगा टू एक्स की पावर थ्री, और टू एक्स से करेंगे माइनस वन में तो टू एक्स वन जा टू एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर थ्री टू की थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, इसका मतलब हो गया एट, टू टू जा फोर टू जा एट, प्लस थ्री टू जा हो जाएगा सिक्स एक्स, और ये ब्रैकेट ऐसा ऐसे ही हुआ। और ये जो राइट हैंड साइड है इसको उठा करके हम इधर ले आएंगे, इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा टू एक्स की पावर थ्री और ये टू एक्स प्लस का हो जाएगा इक्वल जीरो रह जाएगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्स की पावर थ्री और टू एक्स की पावर थ्री ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि पावर दोनों की सेम है, तो माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा एक्स की पावर थ्री, टू एक्स की पावर थ्री में से वन एक्स की पावर थ्री निकाल देंगे तो वन एक्स की पावर थ्री माइनस का बचेगा। अब ये जो एट है इसको हमने ऐसे उतार लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर ली सिक्स एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स की पावर वन और वन टू, यहां प्लस हो जाएगा, सिक्स एक्स से टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स, और प्लस का टू एक्स ये रह गया क्योंकि ये टू एक्स की पावर थ्री को हम सॉल्व कर चुके हैं इधर। तो ये आपका सवाल हुआ, और इसके बाद जो हमारी लास्ट लाइन है उसको हम देखते हैं कि माइनस एक्स की पावर थ्री प्लस का सिक्स एक्स की स्क्वायर और ट्वेल्व एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का, तो ये हो गया प्लस का फोर्टीन एक्स और प्लस का एट, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर प्लस का एट हुआ। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां एक्स के पावर थ्री है तो मैक्सिमम पावर यहां पर थ्री हो गई, अर्थात मैक्सिमम पावर यहां पर टू नहीं हुई, टू से भी ऊपर पावर थ्री निकल गई, तो इसका मतलब यह है कि यह क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, तो यह क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन का उसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी लगभग लगभग ऊपर के सवाल यानी कि सेवेंथ पार्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं दोस्तों ये सॉल्व किया हुआ है, इसको तो हम नहीं छुएंगे, इसको ऐसे का ऐसे ही उतारेंगे,
और इक्वल में a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इसे हम फार्मूला खोलेंगे, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। और दोस्तों ये अगर प्लस का फार्मूला होता तो पूरा ब्रैकेट खोलने पर हम प्लस प्लस लगाते, लेकिन ये माइनस का फार्मूला है तो सब जगह माइनस लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और ब्रैकेट एक्स माइनस 2, ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और इधर हो गया एक्स की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और यहां पर होगा x की पावर 3, 2 की पावर 3 को इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 टू जा 4 टू जा 8, ये हो जाएगा 3 टू जा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब 6x से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर और 1 पावर 6x की 2, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट देंगे, 6x 2 जा 12x, ये हो गया। अब सबको उठा करके एक तरफ कर देंगे, x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये इधर को आके माइनस का हो जाएगा, 8 इधर को आके प्लस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और 12x जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा एक्स की पावर 3 प्लस का और एक्स की पावर 3 माइनस का, तो दोस्तों देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि वैल्यू इक्वल है और साइन अपोजिट है। अब 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालेंगे 2x स्क्वायर बचेगा, x माइनस का 12x माइनस का दोनों माइनस के हैं सेम साइन है ऐड कर देंगे 13x हो जाएगा, 1 प्लस का और 8 प्लस का तो प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा सवाल हमें सॉल्व होगा। अब यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां पर x की पावर 2 है, तो जब x की पावर 2 है तो ये मैक्सिमम पावर हो गई, और जब ये मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 हो गई तो इसके भी जो सॉल्यूशन होगा ये क्वाड्रेटिक है, यस, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में कि यदि पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स ये हमारे समाप्त हुए, और नेक्स्ट जो इसका सम है वो हम अगली वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और अभी भी काफी लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद है यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा रिवीजन अवश्य करें, और अगली वीडियो में नेक्स्ट सम इसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लेकर के मैं उपस्थित हूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार।